बस 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 अरे सब अच्छा बात है लेकिन अर्चना जी क्या हुआ? सच्चाई तो यह है कि आज बहुत टेंशन में है हम क्या टेंशन क्या है कि हमारा बीबी तितली है ना हाँ। वो मायके चली गई है ओ, तो? घर पे एकदम अकेले पड़े हैं हम हाँ? आप आज शाम को क्या कर रही हैं नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अर्चना जी वो मतलब नहीं है हमारा अरे क्या है कि हमने ना अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजा अच्छा अब वो स्कूल की जो टीचर है वो उसकी शिकायत करने हमसे मिलने यहाँ पर आ रही है अच्छा अब तितली यहाँ पर है नहीं हमारा अंग्रेजी तो आपको पता है मतलब एकदम टाइट टाइट फिस तो आपसे रिक्वेस्ट था अर्चना जी क्या? कि आज थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे के पापा बन जाएंगी नाम मत कहिएगा अर्चना जी एक मजबूर बाप अपनी चोटी आपके कदमों में रख रहा है ठीक है आपके यहाँ चोरी हो गई ओके मोटरसाइकिल फ्रिज सब ले गए आपको किसी पड़ोसी वगैरह पे शक है अच्छा पड़ोसी बाहर गए हुए हैं तो मोटरसाइकिल फ्रिज उनका उठा लो हाँ तो जब पड़ोसी वापस आएंगे वो दूसरे पड़ोसी का उठा लेंगे टिट फॉर टैट क्या क्या कर रहे हैं आप ये पड़ोसी के यहाँ चोरी करने का सलाह दे रहे हैं आप अरे आप पुलिस वाले हैं जाइए पकड़िए चोर को हाँ? तुम मेरी माँ तुम मुझे क्यों सलाह दे रहे हो हाँ? चोर को मैं पकड़ तुम लूं मैंने एक्चुअली ना चोर को कभी करीब से देखा नहीं है कि दिखते कैसे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टाइप ऑफ चोर लुकिंग इंस्पेक्टर होके आपने कभी चोर को देखा नहीं है इंस्पेक्टर का चोर से क्या लेना देना इंस्पेक्टर अपनी जगह है चोर पर हाँ एक बार मैंने देखा है एक बार चोर हाँ। मेरे सामने चोरी कर रहा था मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था लेकिन मैंने पकड़ा नहीं नुकसान हो जाता है अरे रंगे हाथों पकड़ते तो फायदा होता नुकसान क्यों होता रंगे हाथ मेरे थे ना वो एक्चुअली उस दिन करवा चौथ था तो मैंने अपनी बीवी के लिए करवा चौथ रखा था मेहंदी लगाई थी मेहंदी लगी थी उस हिसाब से ये करके देश की प्रगति में जो आपने योगदान दिया है ना उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच अभी थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए हम बहुत टेंशन में हैं यार डोंट टेक टेंशन व्हेन कानून इज हियर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वॉर की ओपनिंग 50 करोड़ कांग्रेचुलेशंस ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ अरे इंस्पेक्टर शमशेर जी आप इतना ये फर जो अंग्रेजी बोलते हैं जी हमारा थोड़ा मदद कर दीजिए ना थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे के पापा बन जाइए ना शट अप अरे कम ऑन यार प्लीज शट अप अरे प्लीज मान जाइए ना नाम मत बोल दिया तेरे को शर्म नहीं आती कानून को शर्म रिश्वत दे रहा है पिछली जेब में डाल इधर हाँ पीछे सब ठीक ठाक था हाँ हाँ सब ठीक ठाक था ऐसे शरेआम रिश्वत नहीं देनी कभी ठीक है अभी क्या वो बस टीचर यहाँ पर आती होगी आप संभाल लीजिए ओ मैंने कहा मैं संभाल लूंगा मैंने बड़े झूठ बोले पहली बार बोल रहा हूँ झूठ चलो चलो निकलो यहाँ से चलो निकलो एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी प्लीज यस Myself, Inspector Shimshir, बताइए किसने छेड़ा आपको? नहीं मुझे किसी ने छेड़ा नहीं है मैं तो स्कूल से आई हूँ इतनी बड़ी होकर स्कूल जाती हो नलायक कहेंगी तुम्हारी उम्र की लड़कियां टीचर लगी हुई हैं और अभी स्कूल जा रही हो मैं स्टूडेंट नहीं मैं टीचर ही हूँ अच्छा मैं गो टू टॉयलेट व्हाट रबिश तुम टीचर हो ही नहीं सकती टीचर होती तो बोलती फटाफट जाओ इधर मत कर देना तुम टीचर हो ही नहीं सकती देखिए मैं बच्चा यादव के बेटे की टीचर हूँ तो मैं उनसे यहाँ मिलने आई हूँ तो अगर आप उनको जानते हैं तो प्लीज आप बताएंगे कहाँ है वो गेस करो बच्चा यादव कैसा होगा तिकी तिकी मूछे लंबा चौड़ा वर्दी पहनी हुएगी इधर कहीं आपको दिख रहा है कोई ऐसा ये तो आप ही है बिल्कुल सही जवाब आप जीतती हैं लगातार 2 मिनट की हग Oh! Oh! Shut up!
आपने कहा था कि आप शमशेर सिंह हैं और अभी आप कह रहे हैं कि आप बच्चा यादव हैं। उस शमशेर सिंह तो मैं बाहर वालों के लिए हूँ, घर वालों के लिए मैं बच्चा यादव ही हूँ। पर बच्चा यादव तो तबेले में काम करते हैं ना। तो मैंने आपको क्या कहा? कि आप इंस्पेक्टर हैं। तो तबेले में इंस्पेक्टर हूँ ना मैं। अच्छा तो आप हैं कच्छा के पापा। कच्छा कौन मतलब? बच्चा यादव का बेटा तो वही है ना? ओ हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अच्छा यार, अच्छा। आपको आपका बच्चा याद नहीं? वो एक्चुअली घर में हम उसको कच्चा को कच्चा नहीं बुलाते ना, हम उसको अंडरवेयर बुलाते प्यार से। तो इंग्लिश का जमाना है ना मैडम। कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप। व्हाट, आपको पता मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ? मैं चाकू को भी कनाइफ बोलता हूँ। कनाइफ नहीं होता, नाइफ होता है, के साइलेंट रहता है। ये जो डंडा देख रही ना आप, इसके सामने कोई साइलेंट नहीं होता, सब उगल देते। ये ऐसे ही नहीं पुलिस वाले बनेंगे। देखिए मैं यहाँ आपकी फालतू की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ। कंप्लेन मत करो, उसकी एफआईआर कर दो, उसको सीधा 10 साल के लिए अंदर कर देते। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपके बच्चे की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं बच्चा ही तो हूँ। अरे मैं आपके कच्चे की बात कर रही हूँ। सबके सामने आप कच्चे की बात कर रही हो। आपका बेटा ना एक नंबर का बदतमीज है। बहुत अच्छी बात है, एक नंबर का बदतमीज, दो नंबर तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि वो हर सवाल का उल्टा जवाब देता है। तो आप सवाल उल्टा कर लो, वो जवाब सीधा दे देगा। जैसा बाप वैसा बेटा। तो वैसा ही होता है। अर्चना जी, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। बोलो। हम जानते हैं आपके पास कार नहीं है। हाँ। इसलिए हम अपना कार देना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखा देखा आपने इसकी बदतमीजी। ओ छोड़ो, मैंने ऐसे बदतमीज बच्चों के मुंह नहीं लगते। पता नहीं होगा किसी बदतमीज का बच्चा। एक्सक्यूज मी, ये किसी बदतमीज का नहीं बल्कि आपका बच्चा है। तो मैं बदतमीज तो हूँ। अगर मुझे अकल होती तो मैं ऐसा बच्चा पैदा करता, बताइए आप। ओए चिंटू, तेरी इतनी कंप्लेंट आ रही, इतनी शरारतें करता है तू। उसका नाम कच्चा है, कच्चा। आप अपने बच्चे का नाम भूल गए? पर टीचर जी, ये जो है ये उथप्पा हो सकते हैं, ये कटप्पा हो सकते हैं, धप्पा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पप्पा नहीं हो सकते हैं। ये क्या बोल रहे, आप इसके पापा नहीं है? देखा, पहले मेरे को याद नहीं आ रहा था, अब इसको याद नहीं आ रहा था। आते मिलती हैं, हुए कि नहीं बाप बेटा। ये स्कूल में भी ऐसी बकवास करता रहता है, फिजूल की बातें। नहीं टीचर जी, जरा ना हमारे नजरिए से देखे तो आप भी कोई महान बातें नहीं करती हैं। सुना आपने, सुना आपने? मैं क्यों सुनूं? बच्चे बाप की सुनते हैं, बाप थोड़ी ना बच्चे की सुनते हैं। ऐसे गलत शिक्षा दे रही हैं आप, कल को ऐसे बच्चे बड़े होके फिर बाप बन जाते हैं। तो बाप तो हर आदमी बनता है। मेरे दादाजी मेरे कभी बाप नहीं बने। अरे तो दादाजी कैसे बाप बन सकते हैं आपके? क्यों, मेरे बाप के तो बाप बने मेरे दादाजी। अरे वो रिश्ते होते हैं। तो मेरा क्यों नहीं होता, आई एम बैचलर, मेरा भी करवाओ। आपका रिश्ता नहीं हुआ तो फिर ये कहां से हो गया? ये तो इसकी माँ का है। तो इसकी माँ भी आपकी बीवी हुई ना? देखो आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। एक काम करते हैं, जगह बदल लेते, इधर आइए। हो सकता है बात बदली जाए, कुछ ठीक माहौल बन जाए ऐसे। आपको शर्म नहीं आती अपने बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हुए? अरे टीचर जी, हम धुएं हैं, हम कुएं हैं, कहो तो हम चूहे हैं, लेकिन हम इनके या ना हुए हैं यार। यार ऐसा नहीं है, ये हमारे पापा नहीं है ना? ये तो आपको अपना बाप ही मानने को तैयार नहीं है। मैडम ये ना थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा साइड में ले जाके समझाता हूँ। इधर। तेरा बाप बिजी है, 1.5 आवर के लिए मैं तेरा बाप, समझ में आया? ओ बिजी है तो हमें कल पैदा कर दिया यार। जाकर कह दो उनसे
कि ज्यादा ना रहे बिजी, योर सन इज नाउ बिग, लाइफ इज नॉट इजी. अरे 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 वाह, अरे वाह. ओए राहत इंदौरी के अंडे, मैं ना तेरी इधर कविताएं सुने नहीं आया मैं. चॉकलेट लेगा? चॉकलेट ना, टॉफी, बिस्कुट, ये इससे ज्यादा तो हमें भी नहीं मिलते, ये ले. जी अरे यही तो मेरे पापा है. नींद में था बच्चा, 100 रुपए दिया, मान गया. हाँ पापा है मेरे. अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पापा नहीं, और अचानक तुम मान भी गए. टीचर जी, जब आप अचानक से कहते हैं y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 5 है, हम मान जाते हैं ना. हम मान गए पापा है. वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया तूने बेटे. कैसे बाप है आप, अपने बेटे की ऐसी बातों में सपोर्ट करते हो. आप खुद ही कहते हो कि बच्चे के साथ दोस्ती वाला रिलेशन रखो. जब हम बच्चे के दोस्त बन रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका दोस्त होता तो यही करता ना. मैं तो कहता हूँ आप भी फ्रेंडशिप कर लो. मैं यहाँ फ्रेंडशिप करने नहीं आई. एक टीचर और पेरेंट्स का भी दोस्त नहीं हो सकते क्या? ये नहीं हो सकते दोस्त. आपको दोस्ती की पड़ी है, आपको पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता. ये है ही ऐसा, नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है. कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया, उसके पति का नंबर ले आया. नंबर लाने में तो है ही ना लायक. ये नंबर नहीं लाता मतलब आपका बेटा नलायक है, उसे कुछ नहीं आता. अभी देखिए बेटा इधर आओ. अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? आगरा में. ये देखिए बेवकूफ, इतना भी नहीं बताया आगरा में, कानपुर में है. कुतुब, सॉरी जबलपुर. कुतुब मीनार किधर है मेरे? कुतुब मीनार कानपुर जबलपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में है. ये आर्किटेक्ट का कसूर है. ये देखिए किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता. आप सवाल ही गलत पूछ रही हैं. आप इतनी हॉट होके ऐसे सवाल पूछती हैं. अभी देखना इतना बेटा, चल बता करीना कपूर के घरवाले का नाम क्या है? सैफ अली खान. सैफ अली खान की घरवाली का नाम क्या है? करीना कपूर. दोनों के बच्चे का नाम क्या है? तैमूर. सही तो है. ये फिल्मी सवाल पूछ रहे हैं आप उससे? तो यहाँ फिल्मी सवाल ही पूछते. कभी आपने देखा इधर सलमान खान आके गायक ऐसे सुनाते हो? कभी सुना है? ये सब ये जो बेहुदा जोक सुना रहा था, लोगों को यही पसंद आते हैं. ओए हाफ एन आवर वाला डैडी, देखो जोक्स को बेहुदा नहीं कहना मेरे. हमारा जोक फनी थे, फनी है और फनी रहेंगे. अरे पापा जी, 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 पापा जी, पापा जी, पापा जी. पापा ये देखिए यार, ये कैसा आदमी है यार, ये आदमी जरा देखिए तो ध्यान से. ओए आदमी, इस आदमी को देखिए यार, तब से टीचर जी को कह रहा है कि मतलब ये हमारा पिता है. आप इसके पापा है? नहीं, नहीं हम पापा नहीं. ये किसका बच्चा है ये? पर ये आपको पापा पापा क्यों बोल रहा है? इसको तो पापा मैं भी बोलता हूँ. इसको तो इसके पापा भी पापा बोलते हैं. इसका मुंह ही पापा जैसा देखो है, लगता है बेटा किसी का. ये पैदा ही पापा हुआ था. एक मिनट बच्चा जी. हाँ जी. आप अपनी बीवी को बुलाइए, वो बताएंगे कि इसका बाप कौन है. बताओ भी कहाँ है मेरी पत्नी? आपको अपनी पत्नी नहीं पता? अरे यार टीचर जी, यार ये देखिए आपको बेवकूफ बना रहा, प्राउडली बन भी रही है. ध्यान से देखे जरा, ये हुलिया देखिए हमारा, सेम टू सेम है कि नहीं? बोलने का स्टाइल हमारा मतलब सेम टू सेम है ना? हाँ बात तो सही है, शक्ल से तो यही तुम्हारे पापा लग रहे हैं. देखिए मैडम, मेरी दुश्मनी बड़े लोगों से है, तो मैं नहीं चाहता था कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए इसका डिजाइन मैंने इसके जैसे रखा हुआ है मेरा ही. ये बच्चा है, किसकी बातें मान रही हैं आप? ये तो कल हमसे कह रहा था कि मुर्गी अंडा देती है. हाँ तो मुर्गी अंडा ही देती है. हाँ तो मुर्गी अंडा ही देगी, आमलेट थोड़ी ना देगी. आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हटो यार, कौन हो? जैसे इन्होंने बात कही है ना,
उससे तो यही इसके बाप लग रहे हैं। और जैसी आपने बात कही है ना, आप ही मेरी माँ लग रही है। Shut up! मैं परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ, तुम सब लोग भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ। अरे सारी बातें हाँ जी, यहाँ पे बच्चा कौन है? ओहो, यहाँ मैं बाप को ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बच्चे को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, बच्चा मैं हूँ। बच्चे, मैं 35 साल के बच्चा यादव की बात कर रहा हूँ। वो ये है? अरे नहीं, क्या पीछे पड़े हो हमारे? हम नहीं है यार बच्चा यादव, ये है बच्चा यादव। मैं हूँ बच्चा यादव, बताइए क्या काम है? बच्चा यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, जो जोक्स आप सुनाते हैं पूरे शहर में आपको पहला प्राइज मिला है उनके लिए, और आपका पहला प्राइज है 1,00,000 रुपए का चेक। मेरे जोक्स बड़े फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है मेरे जोक्स। एक मिनट यार, ये सब गड़बड़ हो रहा है। हम बताते हैं, हम है बच्चा यादव दोस्त, ये पैसा हमारा है, हम सुनाते हैं जोक दो। पर अभी तो आपने कहा कि ये बच्चा यादव है। हाँ, तो अब हम ही कह रहे हैं कि हम बच्चा यादव है। और ये इस आदमी को हमने कहा था ये नाटक करने के लिए, बच्चा यादव बनने के लिए। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मैं नाटक करता ही नहीं, मेरे को बड़े ऑफर आते हैं, मैं मना कर देता हूँ। एक मिनट, ये आदमी तो बेकार का बात करता रहेगा। ये हमारा बेटा है, ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच बताएगा। बेटा, आंटी को बताओ कि बच्चा यादव हम ही है। किसका बाप है यार ये लेकर जा रहा? अरे बच्चा यादव जी, आप हैं और कौन है? क्या हो गया बेटा, तुम इतना जल्दी भूल गए कि हम तुम्हारे बाप हैं? भूल गए, सुबह तक भूले ही तो आए। तो शाम हो गया, अब आ जाओ यार, क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम कुछ नहीं कहते। जोक्स नॉट फनी। देखिए, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे ने कहा अभी कि ये जोक्स था। जोक्स कौन सुनाता है? हम सुनाते हैं, हमें बच्चा यादव। नहीं, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको एक और जोक सुनाते हैं। बारिश में मेंढक टर्टर क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि वो मेंढक है यार, रणवीर सिंह थोड़ी ना है जो तत्तर तत्तर करेंगे। इतना गंदा सड़ेला जोक मारा, मेरे हाथ तक आ गया। ये भी कोई जोक है? जोक मैं सुनाता हूँ। एक बार ठेक आती जा रहा होता है, चल रहा होता है। इसमें क्या फनी है? बड़े फनी तरीके से चल रहा था। ये होता है जोक, जोक होता है हाथी चिट्ठी के, मेंढक थोड़ी होते हैं जोक में मेंढक को कहेंगे। तो ठीक है, हम भी हाथी चिट्ठी का जोक जानते हैं, हम सुना देंगे। एक बार एक हाथी होता है। Shut up! एक बार एक हाथी, वो मेरा था। तो ठीक है, बच्चा यादव के पास हाथियों की कमी नहीं है। एक बार चार हाथी थे, चार में से एक मेरा है। एक बार पांच हाथी थे, जिसमें से एक हाथी हमने आपको वापस दे दिया। मेरा उधर वाला था, ये वाला। अब हमारे पास चार हाथी हैं। सुनो, मेरे हाथी का दिल नहीं लगता, तुम ले लो। अब हमारे पास हमें नहीं चाहिए यार आपका हाथी। हम खुश हैं अपने हाथियों से। एक बार चार हाथी थे, चार ही थे। तो ये किसका छोटा हाथी? साढ़े चार थे। मैडम, एक बार चार हाथी थे, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बीच में से एक मुर्गा आता है, कहता है एक काम करो, तुम लोग पंजा लड़ा लो, पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक घंटा गुजर जाता है लेकिन फैसला हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हाथियों के पंजा होता ही नहीं है ना। ये बहुत घटिया जोक सुनाया ना, इसके लाफ्टर पे मत जाइए, इसने अपनी ऑडियंस खुद पैदा की हुई है ये, ताकि ये गंदे गंदे चुटकुले सुनाए और ऐसे 10-12 और इसके पास मैं बताऊं। इतना गंदा जोक है, मैं उल्टी करने जा रहा हूँ। देखिए देखिए, लेकिन कम से कम ये मान तो गए कि ये हमारा ही बच्चा है, यानी कि हम ही हैं बच्चा यादव। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि हम टेंशन में आ गए थे कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे, इसलिए हमने इनको बच्चा यादव बनने के लिए कह दिया, और ये काम करने का हमने इनको 2,000 रुपए भी दिए। झूठ बोल रहे, 1,000 रुपए दिया ना तुझे?
आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपके थाने में कंप्लेंट करूंगी। करो। कहाँ है थाना मुझे बताओ। मेरे को ड्रॉप कर देना उधर। मैं आपको ड्रॉप क्यों करूं? आपकी कंप्लेंट कौन लिखेगा? मैं ही तो हूँ थानेदार, पूरे देश में एक ही है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पक्का? पक्का। तुमने पक्का हील पहनी होगी? पकड़ ही नहीं सकती मेरे को। मैं पकड़ सकती। पकड़ के दिखाओ फिर। तू क्यों नहीं जा रहा है? तू क्यों नहीं जा रहा? तू क्या? तू क्या? तेरा कब से खत्म हो गया? तू निकल, चल निकल उधर। आज कपिल नहीं है, आज शो अच्छा होगा। आज शो हम ही शुरू करेंगे, ठीक है ना? वेरी गुड। आप लोग सोच रहे होंगे ना कपिल क्यों नहीं, सोचना मत। फिल्म देखने के टाइम पे आओगे तब भी मत सोचना, दिमाग मत लगाना। क्योंकि जो भी इस फिल्म में उनका दिमाग है नहीं, इसलिए आप लोग भी दिमाग मत लगा रहे हो। इस शो पे भी जब आप देख रहे हैं तो दिमाग मत लगा। और सिद्धू भाजी आप बहुत अलग लग रहे हैं आज। आप बिना पगड़ी के बिल्कुल अर्चना लगते हैं। तुम मेरे ऊपर ऐसे पंच मारोगे तो मैं कपिल को कैसे मिस करूंगी फिर? मैं मत करो यार। उसके घर पे उसकी बीवी भी उसको मिस नहीं करती। अच्छा I think कपिल को बुला लेना। बुला उसको इनसिक्योरिटी हो जाएगी। फिल्म तो हम खराब कर चुके हैं। कर चुके हैं। शो क्यों खराब करें? शो क्यों खराब करें? कहाँ है वो? लेकिन पता नहीं। कपिल है? अरे कपिल जी बुलाइए। सर नमस्कार। सर वेलकम। शुक्रिया, धन्यवाद। अनिल सर, व्हाट इज दिस ब्रो? अच्छा लगा मुझे सुन के ब्रो। ये आप ये भी शुरू कर देंगे, हम क्या करेंगे सर? फिल्म में हम लोगों को कुछ ऐसे ही लगता है, सारी एक्टिंग ये करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सर फिल्मों में देखो आप छाए हुए हो, एड्स में आप छाए हुए हो, बीच में 15 मिनट मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भागने लगते हैं। अभी तक हाँ, वो पता नहीं 18 सेकंड में कितनी देर में पूरा किया सर आपने? 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर 100 मीटर तो 100 मीटर हाँ सुना कि मैंने, हाँ कुछ 20-25 सेकंड लगाए थे मैंने। फैंटास्टिक हाँ 20 सेकंड। सर पागलपंती का ट्रेलर देखा, बड़ा मजा आया सर। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अच्छा पहली बार है किसी को पागलपंती के लिए बधाई मिल रही है। जैसे हमारा दिनेश है ना, इसको हमेशा पिटाई मिलती सर, हरते ही ऐसी करता है। उस दिन बस में जाके लेडीज सीट पे बैठ गया, लेडीज आई कहती भैया आप लेडीज सीट पे बैठे हैं, कहता कोई बात नहीं मैं दुपट्टा लेके बैठ जाता हूँ। एक बार जोरदार ताले हो जाए। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान होइए। चलो आइए सर, जहाँ आपका दिल करता बैठिए। जहाँ मैं आप यहाँ बैठिए, घर जाके बैठ जाऊँ। सर ये तो फिल्म का नाम है पागलपंती, आपने लाइफ में कभी कोई पागलपंती की है? किए होंगे 100%, बट कोई याद नहीं आता जब ऐसे वक्त पे ना। हाँ ये तो होता है। अगर तुम घर पे सवाल भेज दिए होते तो मैं शायद सोच के रखता। अनिल सर आपने भी कभी कोई पागलपंती नहीं की? ये तो अब तक कर रहे हैं। सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किरदार है आपके फिल्म में? कोई कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टरलेस। कैरेक्टरलेस। अगर हमारा कुछ कैरेक्टर होता तो कोई और फिल्म नहीं मिल जाती। ये फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब रिलीज होगी उसके बाद पता चलेगा हमारा कैरेक्टर क्या है। जॉन भाई आप शूज पहनने भूल गए। मेरे को बाहर बोल रहा था कि चप्पल से लोगों को मारना आसान पड़ता है। पर पिछली बार एपिसोड में बोला था जॉन ने कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ हमेशा ना, जूते उसी दिन पहन कर आए थे बस। तो ही इज कम इन हिज एक्चुअल नेचुरल अवतार। घर पे तो हम भी कभी कभी कुछ नहीं पहनते, पर इसका मतलब ये थोड़ी हो गया। अर्शद जी भी नीचे से चप्पल थोड़ी पहनी हुई है, तो नंगे पाँव आई है। अर्शद जी नंगे पाँव आती ना आप? तो फिर जो मैं उतार कर मारूंगी तुझे लगेगी नहीं है ना? ओके नहीं नहीं ओके। इतना तेज हो गई है ना, हो ही जाता आदमी। हाय हाय एक दिन के लिए आई थी। हाँ
आपने किसी ने नोटिस किया है ये जो फिल्म है पागलपंती अर्शद भाई पैसों के पीछे भाग रहे हैं इसके पहले ये धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे टोटल धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे भाई जब भी कभी ऐसे किरदार की जरूरत होती है जिसको पैसों की किल्लत हो आपका नाम क्यों आता है तो चक्कर क्या कि सारे पैसे ये लोग बना के बैठे मुझे भागना पड़ता है फिल्म में अनिल सर ऐसे सुनने में आया कहते जब आपने मेरी जंग फिल्म साइन की उसके बाद आपने सुनीता मैम को हाँ बोल दिया था शादी के लिए तो मेरी जंग टाइटल से आपको शादी का ख्याल क्यों आया क्योंकि सुनीता से जब शादी की तो मुझे पता था कि हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग होने वाली है अच्छा आपको मैं एक और चीज बताऊं मजेदार मुझे बाद में पता चली अर्शद भाई जो हैं जब अनिल सर की फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा तो उसमें कोरियोग्राफर थे हाँ। आज आप साथ में को एक्टर हैं बिल्कुल तो इससे आप अपनी तरक्की मानते हैं या इनकी मेरा प्रमोशन हुआ है या इनका डिमोशन हुआ है पर अर्शद भाई आपने कोरियोग्राफी करना क्यों छोड़ दिया पहली बार इस तरह का गाना हुआ था एक फिल्म के अंदर तो इसीलिए मुझे बुलाया था जो मैं एडवाइड करता था उस गाने के अंदर पूरी फिल्म की कहानी है गाने में कहानी थी फिल्म में नहीं थी फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्टरों को ज्यादा पैसे मिलते कोरियोग्राफर को कम मिलते मैंने टक्कर के जंप मार लिया बहुत अच्छा किया भाई टाइम पे जब समझ जाओ तभी तब बिल्कुल अभी नेक्स्ट गाना होगा गणेश को मैं बोलूंगा ये गणेश भी कई बार अपने आप को लॉन्च कर चुका है अच्छा अनिल सर जो भी कैरेक्टर करते हैं वो इतना सीरियस इतना डूब जाते हैं उसमें जैसे एक बार एक सीन में इन्होंने जैकी श्रॉफ साहब को थप्पड़ भी मार दिया था नहीं जैकी ने मुझे मारा था चलो रोल में तो डूबे हैं चाहे खाया चाहे मारा लेकिन इधर हमने ये सुना है कि जॉन को तो गोली लगने की नौबत आ गई थी कुछ हाँ? ये क्या किस्सा था सर शूट आउट बड़ाला के टाइम पे क्लाइमैक्स में अच्छा अनिल सर के हाथ में बंदूक था और शॉट ये था कि मैं गिरा हुआ हूँ और वो मुझे गोली मार रहे हैं तो पता नहीं उसके अंदर बारूद या क्या था उसके अंदर सीधा मुझे यहाँ पे लगा और चार दिन के लिए वो टी इसके बाद जो बहुत इनको भी काफी शॉक लगा नहीं, मुझे शॉक लगा मैंने माफी मांगी आज भी माफी मांगी नहीं नहीं मुझे ये इनका ये सब एक्टरों में प्रॉब्लम ये है ना सारी जो अपनी पर्सनल भड़ास है ना शूटिंग में निकाल लेते हैं तो थप्पड़ मार रहा है गोली मार रहा है नेक्स्ट पिक्चर हम कौन सी कर रहे हैं सब भड़ास मैं इसीलिए सिर्फ कॉमेडी फिल्म करता हूँ पता नहीं कब गोली लग जाए अरे सब बात करते ना कि अनिल सर जो है फॉरएवर यंग है वो लेकिन उसके पीछे कहानी वो सुबह 4 बजे जल्दी उठ जाते हैं सुबह जल्दी उठने से जैसे अर्चना जी भी ये भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं इसलिए आज तक इनके सफेद बाल नहीं है सुबह 4 बजे उठ के डाई कर लेती हैं ओह माय गॉड यार आई डोंट बिलीव क्या बात है यार जॉन जी नमस्कार अनिल जी नमस्कार अर्चना जी नमस्कार मैं सब बच्चा यादव सर ओहो इतना देख के आपको खुशी हो रहा है मतलब सब आ गए आपके फिल्म का हीरो इन लोग नहीं आए बाद में आएंगी पहले इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऐसा कौन सा आपको सीक्रेट बात करना है कि सबके साथ हमें आदमी का पता है सर अच्छा। अब आपको बताते हैं करता क्या आपसे बात करेंगे फिल्म कैसा बना मजा आया शूटिंग किधर किया हीरोइन जैसे आएगी ना खुद लेट जाएंगे अंगूर लेके अपने आपको खिलवाएंगे तो बड़े बड़े कलाकार आए हैं यार किससे बातचीत शुरू कर रहे हैं हम सर ना जॉन जी आपसे शुरुआत करते हैं जॉन जी आपका फोर्स है ना हमने 2 बार देखा क्यों क्योंकि 2 बार बनाया यार फोर्स 1 फोर्स 2 क्या है यार क्यों क्या अच्छा लेकिन सर आपको सच बताएं हमने दिल से वो फिल्म देखा किसी ने हमको फोर्स नहीं किया और फोर्स 2 भी नहीं किया लेकिन सर एक और बात पूछने थे आप फोर्स 2 किए रेस 2 किए हाउसफुल 2 किए इतना सारा टू 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 किए तो टू 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 तारा भी आप कर लेते ऋषि कपूर के लिए क्यों छोड़ दिए लेकिन सर आपको एक पते का बात बताना चाहता हूं आप थोड़े ना सतर्क रहिए सावधान रहिए क्यों क्योंकि सर क्या है जितना आपने फिल्मों में पुलिस वाले का रोल किया है ना ये सोनी चैनल वाले अपना क्राइम पेट्रोल शो के लिए आपको लेने कंसीडर कर रहे हैं लेकिन सर ये बात तो मानना पड़ेगा
जितना पुलिस का रोल आपने फिल्मों में किया है, आपका खुद का फिल्म फ्रेटर्निटी अब कंफ्यूज हो गया है कि ये आदमी को अवार्ड दें कि मेडल ही दे दें। बच्चा, उन्होंने और भी तो फिल्में की हैं। अरे वो हमको पता है सर, सर आपने विकेट ओनर प्रोड्यूस किया था जी, लेकिन सर आई एम फ्रेंकली आई एम सेइंग सर, बिना फिल्म के भी हमने अपना खुद का यहाँ पर 11 प्रोड्यूस किया है। तो उसे आप प्रोड्यूस करेंगे कि रिप्रोड्यूस करेंगे? अरशद जी, जी मेरी बारी, बड़ा पसंद करते हैं सर आप। सर एक बात पूछना था आपसे, ऐसा आप कभी रात को निकलते हैं ड्राइव वाइव करते हैं अपना गाड़ी, पुलिस वाला रोकता है तो आप आरसी दिखाते हैं कि वारसी दिखाते हैं? लेकिन सर आप वो भी किए थे ना, वो धन धनाधन गोल। हाँ वो गोल यही है। देखो कितना गोल किया हुआ इसने। हाँ तो उसमें क्या है यार, अर्चना जी ने सिद्धू जी को गोल कर दिया। यहाँ पे सब गोल कर रहे हैं, लगता है शो का गोल डन पीरियड चल रहा है। लेकिन सर आपसे अरशद जी एक शिकायत है, हम अपना बीवी को लेकर, तितली हमारी वाइफ है, हम उसको लेकर साथ में आपका एक पिक्चर देखने गए, उधर जाके हमें दो पूरा टिकट लेना पड़ा फिल्म का। तो दो लोगों की दो ही टिकट लगेगी ना? लेकिन फिल्म तो देर ही था यार, देर इश क्या। पिक्चर का दो टिकट क्यों लेंगे, देर ही लेंगे, चीटिंग हो गया यार ये तो। तो ऐसे तो उन्होंने क्रेजी फोर भी किया, तो फिर चार टिकट लेगा। ये जैसा आपने बात किया ना कप्पू शर्मा, हाँ उसके हिसाब से शाहरुख खान जी ने जीरो फिल्म किया, तो क्या उधर टिकट ही नहीं लगेगा उधर? मतलब ढाई अक्सर प्रेम का में ढाई टिकट लगेगा, अली बाबा 40 चोर में 40 टिकट लगेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग यार, व्हाट टॉपिक? हमने ही छेड़ा था, उनको फंसा दिए। वैसे अनिल सर, अरे बाप रे, नहीं नहीं सर, अरे सर आपसे एक जरूरी जानकारी चाहिए था। आपके पास वो था ना गैजेट, गैजेट बटन दबाते गायब होते, बाय चांस वो आप सिद्धू जी को दिए हैं क्या? गायब भी हो गए यार, पता नहीं। नहीं लेकिन अनिल सर पहले कलाकार हैं जिन्होंने त्योहारों को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे? देखिए क्या, दिवाली साल में एक बार आता है, नवरात्रि दो बार आता है, अनिल सर हमारे शो में तीसरी बार आए हैं यहाँ पे, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। अगली बार आएंगे तो अपना इंटरव्यू में अनिल सर को थोड़ा डिस्काउंट देना। क्यों? अरे परमानेंट कस्टमर है यार। लेकिन सर सच में मानना पड़ेगा, आजकल आपका जो नेटवर्क है एकदम फुल रेंज पकड़ रहा है, मान गए। मतलब सर ये फिल्म में इनका नाम है वाईफाई, जब वाईफाई से कनेक्टेड है तो नेटवर्क तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा सर। वैसे सर एक और बात बताइए, प्रोड्यूसर ने आपको ये पिक्चर के लिए पेमेंट दिया के पासवर्ड दिया? ना पेमेंट दिया ना पासवर्ड, सिर्फ वाईफाई दिया। लेकिन सर एक और, सर ये अपने शो में आप तो कई बार आए, लेकिन इस शो में कभी आपकी वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं, वाईफाई नहीं। ओह गॉड यार, दूर से ला। आज क्या बात है, क्या बात सर, ऐसा लगातार आज है बात है आपने, है ना सर, है ना, कुछ तो कनेक्ट हुआ है हमारा। लगातार डिजिटल जोक मार मार के हमारा खुद का जीबी खत्म हो गया है। सर लेकिन आपके हम इतने बड़े फैन हैं, हमें बताइए कि घर परिवार में कैसा, सब ठीक है? सब बढ़िया, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर पागलपंती करने का क्या जरूरत पड़ता है? अपना ये सोनम जी के मैरिज में काफी खर्चा हो गया क्या? क्यों? नहीं क्योंकि हमने देखा सर टोटल धमाल में ये पैसे के पीछे भाग रहे थे, पागलपंती में भी पैसे के पीछे भाग रहे। सर एक्चुअली हमने इनका इंस्टाग्राम देखा, उसमें भी ये भाग रहे हैं। उसमें आप किससे भाग रहे हैं? अपनी पत्नी से। वैसे सर एक बात बताइए, यू आर बॉर्न इन 1956, तो सर आप 1942 में क्या कर रहे थे? अरे वो इनकी फिल्म थी 1942, लव स्टोरी। कमाल का बात है सर, एज में आप इतने पीछे जाते जा रहे हैं कि हमें तो शक है कहीं अगले साल आप पैदा ही ना हो जाए। और सर बताइए, सोनम जी, दामाद जी, अहूजा साहब, सब बढ़िया? बढ़िया, सब बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सर। अहूजा साहब का ऐसा, आपको पता नहीं है कप्पू शर्मा, जूतों का बहुत बड़ा कारोबार है उनका। अच्छा? हाँ हाँ, अहूजा साहब, मायसेल्फ बच्चा यादव, शू साइज 9। आप भी बता दीजिए, अहूजा साहब वेट करें, जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हो। अरे बताओ तो, बता दो
इनके लिए भी एक देख लेना आहूजा साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जूता अगर भेज सके भेज दीजिए, बाकी पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पास बहुत है। बच्चा यहाँ पे क्यों आया तू? वो हमने माँ बाप ने प्लानिंग किया तो हम आ गए। हंसी मजाक का हमारा चलता रहता है, हम सर अपने साथ ना एक जोक्स का पिटारा भी रखते हैं। जोक्स? हमें एक जोक सुनाते हैं। तो सर हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, तो फिर मातृभाषा क्यों होती है, पितृभाषा क्यों नहीं होती? क्यों? पितृ की बोलती है। माता कभी पिता को कुछ बोलने कहां देते हैं। I got it. सर एक और, one more. Yeah, yeah, yeah. सर 35 और 37 की कभी जमती नहीं है एक दूसरे के साथ, बताइए क्यों? 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 क्योंकि उनके बीच में 36 का आंकड़ा है ना। आज पिटारे में बात है, पिटारे में आज जोक में बात। सर आज पिटारे में लेकिन लाए इतना ही है, अभी हम चलते हैं सर। नाइस टू मीट यू सर, थैंक यू सर। अरे सर थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अरे सर थैंक यू सर, चलिए नमस्कार, थैंक यू, यो ब्रो, यो ब्रो। अच्छा फिल्म का नाम है पागलपंती, और हम सब ने रियल लाइफ में कोई ना कोई पागलपंती की रहती है। अगर आप लोगों ने भी किया, आपको किस्सा याद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जी मैडम, लेडीज फर्स्ट। हेलो एवरीवन। हेलो, मेरा नाम सोनिया द्वारका दायमा है। एड्रेस के बिना बताइए, मतलब सोनिया द्वारका से आई आप? नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम द्वारका है। वाह, यहीं से द्वारका के दर्शन हो गए। तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा जी। और ये कर्नाटका से है। अच्छा जी, तो कहाँ मिले आपको? अरेंज मैरिज है। अच्छा जी। जैसे शादी करके गई तो मुझे कन्नड़ा तो आता नहीं था, तो मैंने इनको बोला मुझे थोड़ा कन्नड़ा सिखा दो तो आसानी रहेगी इंटरेक्शन में। तो इन्होंने मुझे सिखाया, जैसे वेलकम करना है तो क्या बोलना है, बैठना है तो क्या बोलना है। अच्छा जी। देन मुझे डाउट हुआ, इन्होंने जो सिखाया वो सही नहीं सिखाया। अच्छा, तो मैंने कंफर्म किया सास से, तो उन्होंने बोला अगर ये वर्ड्स यूज करेगी तो जो गेस्ट आएगा वो तुझे पहले पकड़ के मारेगा। उल्टा सिखा दिया। उल्टा सिखा दिया। तो फिर इन्होंने गाली सिखा दी थी एक्चुअली मुझे। गाली? तो ये एक दिन आए इनके गेस्ट को लेके, तो मैंने डबल पागलपंती की। क्या? जो इन्होंने सिखाया था मैंने वही यूज कर दिया। तो फिर क्या बोले वो? ये तो भाग गए वहीं से। अच्छा। फ्रेंड पूरा हैरान, अरे ये ऐसे कैसे वेलकम कर रही है। फिर मैंने उनको बोला यार सॉरी मुझे पता नहीं था। देन अच्छे से बोल के हिंदी में उनको वेलकम वगैरह किया, बिठाया चाय नाश्ता, और पूछ रहे पापा द्वारका। मैंने बोला ये उनकी पागलपंती थी जो उनपे भारी पड़ गई। द्वारका जी इतना धार्मिक नाम आपका, आप ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप? और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने पागलपंती की? जी भाई साहब। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वकर्मा है। और आपके पेट का क्या नाम है? अरे आज भगवान के नाम वाले लोग आ रहे हैं ना। विश्वकर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आए सर आप? सर मैं एमपी से हूँ। क्या पागलपंती की है सर आपने? 5 साल पहले एक बात है। अच्छा जी। एक दोस्त बैंक में काम करता है, मिला पानीपुरी के जगह पे रात के 8 बजे। अच्छा, पानीपुरी भी खाते हैं आप? जी नहीं, तो वो मुझको बोला ये 100 पानीपुरी अगर खा लोगे तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। आपके दोस्त ने बोला? हाँ, तो मैं बोला 500 रुपए पहले निकाल के पानीपुरी वाले को दे दो। अच्छा। फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अच्छा। 500 रुपए दिया सर, मैं आधे घंटे में 100 खा गया। We believe you. 500 रुपए। तो ये तो बहादुरी तो नहीं, ये तो भुक्कड़ों वाली बात हो गई। तो पानीपुरी सारी खा गए आप? बिल्कुल सर। अगले दिन बाथरूम घर पे गए तो खुली ग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो, मेरा नाम है शैली, मैं यूके से आई हूँ। हाय शैली, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट, थैंक यू। वेलकम इन इंडिया। थैंक यू। और मेरी कहानी है, शादी से पहले मैंने जब अनिल कपूर को देखा, जब आपकी करियर शुरू हुई थी, I was madly in love आपसे। मैं आपकी फोटो काट के मेरे बेडरूम में रखती थी। सो मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स ने सोचा इसकी शादी कर ली। सो उन्होंने देखे 10-15, मुझे कोई नहीं पसंद आया। सो एक आया पसंद, क्योंकि उनका नाम था अनिल।
मैंने उनसे शादी की और मैंने ऐसे चुना नाम कि उसका सरनेम भी के से शुरू होता है। वाओ। यस। कहाँ है वो? कहाँ? वो मेरे साथ बैठे हैं। क्या नजर वाह। अनिल कपूर जी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कल मैंने आपको दो बार देखा पर आपने आंख से आंख भी नहीं मिलाई। बताइए सर, क्यों नहीं मिलाई आपने आंख? ऐसे नहीं हो सकता, मैं इतनी दूर लंदन से आई हूँ और अब भी मेरी कहानी सुन के आप वहां बैठे हैं, मुझे हक भी नहीं दे रहे। चलिए, क्यों क्यों मेरा हक? बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका। और कोई हमारे दोस्त? हेलो एवरीवन। हेलो सर, मेरा नाम भूषण जमदाड़े है। क्या है? भूषण जमदाड़े। चेंज करो। अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ भूषण। हाँ सर, मेरी पागलपंती यही है कि मैं आपका शो कभी मिस नहीं करता। सर जॉन सर और आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। सर आपके लिए छोटा सा तोहफा लाया मैं आपको देना चाहूंगा। आई लव तोहफास। अरे वाह जॉन, देखिए आपकी कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई। ओह वेरी नाइस। ओह वाओ, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। शुक्रिया। अरे मेरे भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अरे प्लीज सर, आपको पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं, तो एक एक अफवाह है आपके बारे में। सर आपके बारे में अनिल सर की न्यू बॉर्न बेबी के अलावा और किसी को अपने से छोटा नहीं मानते आप? ये सच नहीं, मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं अपने से छोटा हूँ। That's the spirit, man. That's what. अच्छा भाई, आपके बारे में ये फायदा कि आपने कोई पेंशन प्लान नहीं ले रखा, बल्कि उसी जगह गोलमाल और धमाल की फ्रेंचाइज साइन कर रखी है। अब पागलबंदी। अब पागलबंदी भी है, मैं यही कर रहा हूँ बस, यही ये बेस्ट रास्ता है। इससे अच्छी पॉलिसी हो ही नहीं सकती एक्चुअली। ये लोग भी उसमें आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, ऐसे शर्मा शर्मा के बैठे, बट ये लोग शुरू है। जॉन आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर में बहुत सारे स्पीकर हैं और जब गणपति आता है तो आप किराए पे भी देते हैं। ये स्पीकर सच में आपके पास बहुत सारे हैं? हाँ बहुत सारे हैं। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक और स्पीकर्स का बहुत शौक है मुझे। 58 स्पीकर्स है मेरे घर में। वाह 58। बाइक, स्पीकर, इतनी सारी चीजें, इतने पैसे कमा के चप्पल पहन के घूमता है। डाउन टू अर्थ आदमी है। उन्होंने तो कहा था सोफा पे बैठा दो, मैं अर्थ पे बैठूंगा। ओके अनिल सर, एक अफवाह ये आपके बारे में कि जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको कोई जोक नहीं सुनाता, क्योंकि हंसते ही आपकी आंखें बंद हो जाती, गाड़ी टूट जाती है। अर्शद भाई आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी वाइफ जब भी कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती हैं तो आपको साथ में ले जाती हैं, क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप कॉस्मेटिक सेल्समैन थे, तो बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं। नहीं यार ऐसा नहीं होता, मुझे कहीं नहीं ले जाती। जॉन आपके बारे में ये फायदा कि आप सर्दियों में कंबल लेकर नहीं डंबल लेकर सोते हैं। कोई आदमी ऐसा सोचता है? पर सीरियसली ऐसा होता कभी? नहीं, मेरे घर में जिम है। घर में जिम है कि जिम में आपका घर है? जिम के अंदर थोड़ा सा घर है। मैं गया था इनके घर। अच्छा। मेरे पास सोफा की तरह, सोफा नहीं सिर्फ यही है। वैसे अनिल के बारे में एक अफवाह नहीं सुनी कि अनिल एक्टर बनने से पहले डांसर थे, है ना? हाँ मैं डांसर। हाँ हाँ, he was a dancer. अभी तक नहीं आया डांस। लगता है इसीलिए एक्टिंग शुरू कर दी। डांस तो होगा नहीं मुझसे, एक्टिंग करते हैं। बट कोरस में डांस किया ना तुमने अनिल? या बैकग्राउंड में किया मैंने। अमेजिंग, ही इज ऑल्सो डन।
अर्शद जी, आपका भी सुना है कि जब फिल्में वो होती थी साइलेंट, उनमें भी काम किया आपने? बिल्कुल, डबिंग आर्टिस्ट थे उसमें। हाँ, मैं डबिंग में बोलने वाली थी, डबिंग आर्टिस्ट भी डबा डब। ओके अनिल सर, ये अफवाह कि आप हर फिल्म में खुद को दूसरे एक्टर से छोटा बताते हो, लेकिन जब पैसों की बारी आती है पेमेंट की, तो आप सीनियर बोल के ज्यादा मांगते हैं। ये कैसे पता चला यार तुमको? कैसे पता चला? How did he come to this? John is saying yes. सर देखिए, आप क्या कोई एक्ट्रेस बोल रहे हैं? पर आजकल लोगों को पैसा बॉडी के हिसाब से मिल रहा है। ओके अर्शद भाई, ये एफवाई कि आप फ्री टाइम में ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में रेलवे में भर्ती होके लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। ये वाकई में अफवाह है, डेफिनेट अफवाह है। पढ़ाई लिखाई मेरा कोई लेना नहीं। अदालत खत्म, कदा खत्म, दुकान बंद। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड मिस यूनिवर्स इंडिया उर्वशी रौटेला। उर्वशी, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। या ये आई हमारी फिल्म की इज्जत बढ़ाने के लिए। हम लोग जो इतने टाइम से गवाह थे, इज्जत बढ़ाई के लिए। उर्वशी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, 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 नमस्ते। हेलो माय लव। आइए आइए, बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। प्लीज उर्वशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही हैं आप उर्वशी। बहुत देर करवा दी आपने, इंतजार बड़ा करवाया। अच्छा एक मिनट, हम लोग जाए कपिल? उर्वशी क्या लेंगी आप? अरे क्या बेस है यार। मैंने सुना है ऐसा कि लड़के जो बेस में बात करते हैं, लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं उनसे। इज इट ट्रू? कपिल, आप जिस भी बेस और किस भी सुर में बात करें, लड़कियां वैसे इंप्रेस हो जाती हैं। चलो 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 चलो, नहीं नहीं सर, चलो चलो। अरे आप लोग लगे रहो। अरे नहीं भाई, इधर से। सर नहीं नहीं, अरे भाई चलो बैठो। उर्वशी आती है आपका? हाँ, मैंने देखा उर्वशी के आने, जज्बत बढ़ गया। पर उर्वशी के आने के बाद आपकी आंखें पूरी खुल गई। अर्चना जी, आपको निकलना है तो निकल जाओ। सॉरी। उर्वशी, आपका जादू हो रहा है, बस से भंग कर दिया आपने। आपको पता है सिद्धू जी जब पिछली बार आई थी, आपके पीछे पीछे गए थे। अब तक आएंगे? अभी तक नहीं आए। उर्वशी आप आई हैं, सबके चेहरे पर रौनक आ गई। एक गेम खेलते हैं सर। सपोज आप नहीं, आप सब अपनी ट्वेंटीज में हैं और स्टार्स हैं, लेकिन आपकी शादी भी नहीं हुई अभी, और उर्वशी को आपको प्रपोज करना है। उसके लिए आप अपनी तारीफ करें या दूसरे की बुराई करें, कुछ भी करना है, एक एक करके। अनिल सर आपसे शुरू करते हैं। चेहरे में वो बात है, आप सर, आप में। You want some music sir? Romantic music? बोलना, मैंने प्रपोज करना शुरू कर दिया। अच्छा। चेहरे में कुछ बात है। अच्छा, आवाज में कुछ बात है। हो चुका है? हो चुका है, आवाज, चेहरा, हर चीज है मेरे पास। तुम्हारे पास क्या? ये प्रपोज कर रहे हैं? पास क्या? ये प्रपोज कर रहे हैं? बायोडाटा दिखा रहे हैं? क्या बात है उर्वशी, मत मत आए, इनके बातों में मत आना। हाँ, क्यों मगर? और उसके बातों में मत आना, वो सिर्फ दिन भर जिम में रखेगा तेरे को और कुछ नहीं करेगा। रोज सुबह दंड बैठक डोले शोले बनाएगा, डोले सजा के रखना, ये गाना सुनते रहो। उर्वशी इनको तो सिर्फ हंसाना आता है बस, और कुछ नहीं। और इनको, इनके साथ आप रहोगे ना, सिर्फ रुलाना आता है। नहीं, 10 साल बाद आप तो बूढ़े हो जाए हुए, लेकिन ये कोई नई लड़की को लेके आएंगे। ये प्राइवेट बात है। ये तेरे बाजू में आदमी बैठा ना, जो 25 साल का लौंडा लग रहा है, 56 साल का ये। थैंक यू यार, तूने 56 बोला यार। इसको बोलते हैं दोस्ती। मैंने बोला 65-70 नहीं बोलते।
मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है तीनों को रिजेक्ट कर दिया. बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है एक्चुअली. तो सर एक और गेम खिलाता हूं आपको मजेदार. पर क्या ये गेम का रिजल्ट क्या है? फीलिंग. लड़की ने कहा कि कंफ्यूज है लड़की, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है तीनों में. तो अगर आप जज हैं तो क्या आपको क्या लगता है दिन की शादी किसके साथ होनी चाहिए? जब आप लोग शादीशुदा होने के बावजूद एक एक दो दो तीन तीन के बारे में सोच सकते हैं तो उर्वशी तीनों को हाँ. बिल्कुल तीनों को हाँ बोल दे. देखो देखो वहां सिक्योरिटी मिल जाएगी या ह्यूमर मिल जाएगा या उम्र पड़ेगी नहीं. क्या बात है यार, और क्या चाहिए लाइफ में. सर आपके डायलॉग्स जो हैं कितने दमदार होते हैं जब बोलते हैं, मजा आता है स्क्रीन पे. मैं आपको एक गेम खिलाता हूँ. लेके आइए जरा बैलून्स. जॉन आपसे शुरू बात करता हूं मैं. आपने अपना कोई भी एक मनपसंद डायलॉग बोलिए और ये हाथ में पकड़ के बोलना है. एक बार वो बोल के उसके बाद इसको इसके अंदर जो मटेरियल है उसको आपको इनहेल कर लेना है. उसके बाद वापस वही डायलॉग बोलना है. तो पहले डायलॉग बोलो. पहले डायलॉग बोलो फिर उसके बाद ये इनहेल करके वही डायलॉग सेम बोलना है आपको. ओके. मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं. वाओ. ओके ओके सर. मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता. अरे ये क्या है? एक बार और बोलना. मेरे अनिल सर कोई नहीं तोड़ सकता. आपकी बारी अनिल सर. नहीं सर चीटिंग नहीं करनी. चीटिंग नहीं करूंगा. मानता हूँ तेरी पसंद को फादर. मस्का है एकदम चकास. अबे दूध पी रहे हो? दूध पी रहे हो? मानता हूं तेरी पसंद को फादर. मस्का है मस्का एकदम धकास. ये तो चीटिंग है ना? इससे ये चीटिंग है. नहीं क्यों? हमने इससे इससे जाहिर होता है अनिल कपूर पे किसी भी चीज का असर नहीं होता. उर्वशी की आवाज बेस में निकलेगी इसके बाद. उर्वशी आप पहले कुछ भी जो भी आपको बोलना है अच्छा सा मेरे बारे में जो भी आपको बोलना है. ओके कपिल यू आर लुकिंग सो हॉट. थैंक्स उर्वशी. थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. बाकी भी एक सेंटेंस में बन नहीं रहा पर अंदर है फीलिंग. तो ये पहले नॉर्मल कुल डायलॉग बोलिए. कपिल यू आर लुकिंग वेरी हॉट बोल दिया ना. दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है अपना चीटिंग करते हो आप. प्लीज गो अहेड. बोलो चलो. इनहेल इट. कपिल यू लुकिंग सो हॉट. That was the best. That was the best. That was the best. अर्शद भाई चलो कौन सा डायलॉग बोलेंगे आप? मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूं. मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूं. जितने बाद भी फेंके उठा लूंगा मैं. अनिल कपूर का सेक्सी आसमान है भाई. This is amazing. That's gone. Now it's going, it's going, it's gone. और जो लोग बड़ा बड़ा हैं, it's going, it's going, it's going. Oh my God. Oh. Go on, sir, do it. Yeah. I did it well. एक दो अनिल सर को भी दे दो. हाँ. तेजाब का सर. मजा तो उसमें आएगा. हाँ हाँ मैं तेजाब हूँ. मैं कबूल करता हूँ मैं तेजाब हूँ. तो चलिए उनको बुलाते हैं. उर्वशी हॉट लग रही हो. प्लीज वेलकम अनीस बजमी. अनीस बजमी आ जाइए. अनीस बजमी आ जाइए. अभी नहीं सच में ना आ जाएं.
चलो सबको एक एक फुका दे के बाहर निकल। अच्छा मैम आप भी ट्राई करो, अर्शद भाई इनको भी ट्राई करना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक अर्चना मैम को भी देख रहा हूँ। अर्चना जी, अच्छा अर्चना डायलॉग इंस्टेंटली करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ओठो को ताली। मेरे अंदर से सिद्धू निकल गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। रुक रुक तू रुक, इधर आ इधर आ इधर आ। मैं आज सबको बताएगी ये रोस्टेड भालू ने मेरे साथ क्या किया अंदर। अनिल सर, मैं अंदर मसाज कर रही थी, ये मेरे पास आया, मेरे को बोलता है मसाज के बीच में मेरे लिए पानी लेकर आ। मैं इसके लिए पानी लेकर आई, फिर जब मसाज खत्म हुई तो मेरे को बोलता है मेरे को करीब बुलाया इसने। मैं इसके करीब गई कपू, फिर मेरे को बोलता है 1000 का खुल्ला है। तो फिर मैंने इसको 1000 का खुल्ला दिया, इसने मेरे को मेरी पेमेंट दी और चला गया। बात तो क्या हुआ इसमें, ठीक तो है? अरे ये तो प्रॉब्लम है, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा यार। कब मुझे अपना सच्चा प्यार मिलेगा? कब मेरा 1-2 का 4 होगा? कब मेरा दिना दिन दा होगा? सपना, ये सब क्या कर रही हूँ? पागलपंती। जब इतने बड़े बड़े लोग पागलपंती कर सकते हैं तो मैं पागलपंती क्यों नहीं कर सकती? आपके लिए कहानी बनाई सर, कैसा लगा प्रमोशन? बहुत मेहनत करती है मैं। कौन सी मेहनत करती है? तू तो रोज पागलपंती करती है। सभी जगह पागलपंती है रे। तूने शो पे एक भांजे को भांजी बनाकर क्या किया लाए? पागलपंती। ये सोनी टीवी ने इंडियन आइडल का इतने लंबे एपिसोड बना के हमारा टाइम खा के हम लोग के साथ क्या किया लाए? पागलपंती। ये अर्चना जी ने एक मंत्री की कुर्सी हड़प के उनकी कुर्सी पे बैठ के क्या किया लाए? पागलपंती। नो पॉलिटिक्स। कुर्सी जो रहती है पागलपंती से नहीं मिलती, पॉलिटिक्स से मिलती है। उनसे बड़ी पॉलिटिशियन तो ये है। देखा। खैर सर, आप लोग भाग इधर से, जल हट। अब क्या कुर्सी पे बिठाएंगे तेरे को इधर? खैर आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी सर, बहुत मस्त सुपर हिट पिक्चर है। पागलपंती के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत अच्छा। कोई नहीं सर, इधर सबने एक दूसरे की कुर्सी हड़पी हुई है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। सर आप लोग का पागलपंती देख के हमारे नाला सुपर में बहुत पागलपंती कर रहे हैं लोग। क्या? हाँ उधर वी हैव डुक्कर वॉशिंग सर्विस उधर। तो मेरा छावा है उधर मुकेश। छावा? तो उसने पता क्या किया, वो डुक्कर पे बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे चला गया। सब पागलपंती। वो तो हमेशा जाता है, इसमें नई बात क्या है? अरे तो आगे तो सुन। हाँ। पेट्रोल पंप पे लेके गया उसको। फिर उसका पूंछ उठा के बोलता है इसमें 2 लीटर पेट्रोल डालो। भगवान। सर उन लोग का पागलपंती देखो, उन लोग ने भी 2 लीटर पेट्रोल डाल दिया अंदर। मालूम है डुक्कर दिल्ली जाके रुका है फिर बाद में। फिर हाय कैसे? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कैसे है जॉन? ये सब क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं इंडस्ट्री में अपनी जॉन पहचान बढ़ा रही है, समझा? मस्त बॉडी बनाई ला आपने। आप बहुत पहले से बॉडी बना रहे ना? बहुत पहले। प्रोटीन वोटीन बहुत खाते रहेंगे। तो मेरे को आपको पूछने का था, ये 20 साल की उम्र से पहले आप टीन एज में थे कि प्रोटीन एज में थे? अच्छा मेरे को आपसे एक और सवाल था, ये बाइक के ऊपर अगर हेलमेट नहीं पहनो, नो पार्किंग में ऐसा बाइक लगाओ तो कितने का चालान कटता है उधर? उनको क्या पता? अरे इतनी फिल्मों में पुलिस वाले का रोल किया, इनको नहीं पता रहेगा तो किसको पता रहेगा? मैं आपका वो पिक्चर देखी रॉ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें आप एजेंट का रोल किए थे ना? जी। तो मेरे को ना अंधेरी में 1 BHK का फ्लैट दिलाओ ना आप एजेंट। सपना
वो खुफिया एजेंट बने उसमें। हाँ तो खुफिया 1 BHK दिला दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को? इसको बड़ा टोकना रहता है, क्यों क्या कैसे हा हू ही हा। कैसे सर? ओ बचा लिया आज आपने, ग्लास की जान बचा ली। ये बोलता है असली हीरो, जोरदार तालियां। और सर लाइफ में सब रम पम पम पम। नाला सुपर में लेडीज लुक बहुत फाइन है आपका। आपका जब थिएटर में पीछे रहता, आप आते ना थिएटर में ऐसा ताली बजाते जोर जोर से, हाथों से चिंगारी निकलते उन लोगों। उधर तो आग लग गया था एक बार थिएटर में। अच्छा। आपको देख के बोलते हो कौला है, बहुत कौला है, ऐसा बोलते हैं। कौला। बोलते इनका नाम अनिल कपूर नहीं कौला कपूर होना चाहिए। तेरे को पता है कप्पू? हाँ। लोग मनी सेविंग करते, इन्होंने जवानी सेविंग की है। मुझे भी करनी है, मैं कैसे करूं? इनसे पूछे ना, मेरे को क्या मालूम। हम लोग क्या करते हैं, अपना 1 साल पुराना फोटो देखते हैं और फोटो देख के बोलते हैं अरे पहले मैं कितना छोटा था, या अपना 1 साल पुराना फोटो देख के बोलते अरे पहले मैं कितना बड़ा था। तेरे को मालूम है जब सोनम की शादी हुई थी ना, हाँ। तो पंडित बोला लड़की के बाप को बोला के लाओ, हाँ। तो ये आए और इन्होंने कन्यादान कर दिया। तो ये तो हर बाप करता है। हाँ तो पागलपंती सिर्फ फिल्मों में करते हैं, पर्सनल लाइफ में नॉर्मल है, ये बता रही है मैं तेरे। सपना तो काम की बात भी कर ले कभी तू। काम की बात आजकल सर मार्केट में वायरल बहुत फैला हुआ। इधर डेंगू वेंगू हो ले है ना सबको, और प्लेटलेट्स जो है ना वो सब सबके कम हो रहे हैं। मेरा तो प्लेट कटोरी चम्मच सब कम हो गया था। मैं बताती हूँ सच्ची, सब कम हो गया मेरे उधर। hey, सपना प्लेटलेट्स होते हैं, कटोरी चम्मच कहाँ? अरे मैं बीमार गिरी ना घर पे, एक्चुअली मैं गिरी तो बीमार पड़ी। तो मैं अंदर रूम में थी, मेरे घर पे पार्टी थी, तो मुकेश के सभी दोस्त लोग आए, कटोरी चम्मच चिम्मच सब लेके चले गए मालूम है घर से। राह चलते आदमी का कच्चा चुरा लेते मालूम है उधर। पेंट के अंदर से कच्चा कैसे चुरा सकते हैं? मैंने क्या बोला, पेंट पहनी थी उन लोगों ने, अगर उनके पास पेंट के पैसे रहते तो मुकेश के दोस्त थोड़ी रहते वो लोग। मेरा तो सर कभी कभी मन करता है ना ऐसे गाली देने का, लेकिन हमारा फैमिली शो है, मैं ऐसा गाली दे नहीं सकती। आप लोग इतना फैमिली पिक्चर करते, कोई फैमिली गाली बताओ ना मेरे को। तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे दिमाग का क्या है रे, जब मेरा खुद का शो नहीं चला तब भी मेरा दिमाग खराब था। सोच अभी तो मैं हिट हूं, मेरा कितना दिमाग खराब होना चाहिए। इतना दिमाग खराब हो गया ना अनिल सर, कभी कभी मन करता है कि पड़ोसी चैनल को पीट डालू जाके मैं। कैसे कैसे शो बना रहे हैं लोग। खैर सबसे बात हो गया। अरशद सर आप मेरे को एक बात बताओ। हाँ पूछ। नहीं बोल रही, इनको एक बात बताओ, कब तक मैं ही बोलेगी? सर मैं आपके बहुत फैन है, मैं आपको पंजाबी में एक बात पूछूं? बिल्कुल। सर जब आप पैदा हुए थे तो उस दिन केड़ा वार सी? मंगलवार सी, सोमवार सी? ये पहला नया वाला मिला है। ये लेटेस्ट केड़ा वार सी के बुधवार सी, ऐसा हम लोग वर्ड प्ले करते रहते हैं। नहीं लेकिन मेरे को सच में आपसे एक सवाल था ये पिक्चर को लेके, अभी इनका कहे तो जवान आदमी है, चाइल्ड स्टार। हाँ जवान लोग का क्या रहता है, पागलपंती करते हैं, आप इतने मैच्योर आदमी हो के क्यों किया? नहीं नहीं लेकिन चलता, इनसे मजा बुरा नहीं मानते, बहुत जॉली LLB नेचर है इनका, ऐसा ऐसा बुरा नहीं मानते, चलता है इनका। मैं आपका बहुत फैन है मालूम है, आपका वो कैरेक्टर के ना सर्किट का मेरे को बहुत अच्छा लगा मुन्ना भाई में। आपको पता है जब भी मैं इस सर्किट को याद करती है ना, मैं इसे सर्किट में हाथ डाल देती हूँ। अच्छा मेरे को पूछने का था, अगर मुन्ना भाई की याद आए तो किधर हाथ डालने का फिर? नहीं ऐसा बाद में भी जवाब दे सकते, ऐसा कोई सुबह गई नहीं मेरे को।
नहीं नहीं मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं बाद में आए कैसे अच्छी हूँ हाँ उर्वशी आपका वो पिक्चर देखी हेट स्टोरी में थैंक यू तो एक सवाल था मेरा आपसे ये स्टोरी इतना हेट किया तो किया क्यों पिक्चर आपने नहीं देखो अब लव स्टोरी तो बहुत रेगुलर चीज है ना हर कोई करता है हेट स्टोरी भी तो होनी चाहिए हाँ चलते एक ही लाइफ है सब करने का कोई टेंशन नहीं है अब चलते हैं अपना कोई आप आए ना स्पेशल आपके लिए मसाज बनाया ला मैंने हमारे पास आपके लिए रौतेला मसाज है इसमें क्या होता है इसमें कस्टमर रहता है हम उसका कपड़ा उतरते और उसको लिटा देते हाँ। फिर मैं अपने असिस्टेंट राव को बुलाती है राव आके खड़ा होता है हाँ। बोलती राव तेला राव तेला ऐसा करके फिर तेल लाते हैं और उसका मसाज करती मैं सर अच्छा। फिर सर आपका एक गाना बहुत हिट हुआ था वो समझो हो ही गया हाँ। है ना मुन्ना भाई का हाँ। तो वो उसका मसाज है समझो हो ही गया उसमें क्या होता है उसमें क्या रहता है कस्टमर आता है हम ना उसका कपड़ा उतारते ना उसको तेल लगाते हैं हम उसको सामने से कुर्सी पे मैं बिठा देती हूँ अब कस्टमर मेरे को देख रहा है मैं कस्टमर को देखती है ऐसे 15-20 मिनट बीत जाते हैं कस्टमर बोलता है मसाज मैं बोलती हूँ समझो हो ही गया सर आपके लिए एक स्पेशल मसाज है मुकेम्बू खुश हुआ मसाज इसमें हम कस्टमर कपड़ा उतरते हैं फिर उसको तेल लगाते फिर उसको दोबारा तेल लगाते फिर उसको दोबारा तेल लगाते मैं कब तक तेल लगाई जब तक मुकेम्बो खुश नहीं होगा मैं चलती है सर वो आपके डायरेक्टर अनीस जी वो अपना बाजमी छोड़ के गए मेरे पास में वो आते बाजमी छोड़ देते बार बार धो के देना पड़ता ड्राइविंग मैं चलती है ओके बाय सर बाय एक बार जोरदार तालियां हमारे सब स्टार्स के लिए आइए सर So, अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का जो लेंगी उर्वशी तो बात ऐसी है कि जो पागलपंती की स्टार कास्ट है बहुत बड़ी है ऑलरेडी आप काफी लोगों से मिल चुके हैं अभी और भी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है सर बहुत कमरे हैं यहाँ पे देखिए आप खुला बंगलो है बड़ा जहां आप मर्जी चाहे रह सकते हैं सपना ब्यूटी पार्लर में रुक जो आपका दिल करे भाई तो आपको कल मिलाएंगे फिल्म के और दूसरे स्टार से भी और फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे आप सब यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शपक है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़